ये सारा जंगल मुहेर के जंगल में आता होगा। हाँ, मुहेर के जंगल में आता है सब। तो ये सभी कौन भूखर की तरह यहाँ अधिकारी आ गया, सारा जमीन को ही खा गया, पूरे डस्ट ही डस्ट दिख रहा है। मैं कुछ ही दिन के लिए बाहर गया था, तुम नहीं ध्यान दिए क्या? मैं तो कुआं में चला गया था, अब तो एक साल के लिए चले गए थे ना। तो इतनी सारी कंपनियां यहाँ टेंडर ली, कोई अधिकारी यहाँ ध्यान नहीं दिया, इतना डस्ट वस्ट हो गया यहाँ पे, जंगल भी सब सूख जा रहे हैं। कोई नहीं, सब चमचे लोग यहाँ पे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इतना जमीन कैसे कैसे खोद दिया गया, ये तो रूल्स के मुताबिक गलत है। चला भाई, का ले वाला पोस्ट पत्थर आई का, ये जमीन की पूरी हिस्ट्री है जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ किस परत में खुदाई चल रही है। खुदाई तो यहाँ चलती है ना। तो इधर तो कोरोना वाला था, कोरोना परत। कोरोना वाला नहीं, कोयला खुदा था हम के जानी ला। ये जितना सब, इतना पूरा जंगल जितना बा सब ले बा निगाही कंपनी NCL लागे, निगाही खुद दिया प्रोजेक्ट अलग अलग बा। अब वो हर देखा जयंत हमारे गाय हुए जयंत भाई, हमारे गाँव भैंस चराई लर जंगले में। तो इतना डस्ट होता है, कोई आपके गांव का मुखिया सरपंच कोई इस पे केस नहीं करता है क्या? हाँ, काहे केस करी अपन जीत खाद बना। तुम्हारे गांव का मुखिया सरपंच कुछ इस मैटर में केस नहीं करता है क्या? कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं। तो इतने डस्ट से तुम्हारे गांव के लोग बीमार तो होते होंगे? अरे बहुत हो ना, यहाँ के पूछता है, यहाँ गरीबन की के पूछता है, बतावा ना तुम्हें। उसके लिए कई सारी समितियाँ बनाई गई हैं। हमारे की कुछ आधार नहीं मिलत, कुछ नहीं दे सरकार ने कुछ देता। हाँ, ये करता कि बिजली बिजली माफ ऑफ कर देता और राशन पता है कुछ नहीं मंग के बना। ये तो मध्य प्रदेश के जंगल में आता होगा ना? तो मध्य प्रदेश में आवता तो क्या करब, यहाँ कैसन नेता मंत्री बने हम क्या करें। इसमें 100 MLA खड़े किए गए हैं, वो कुछ भी नहीं करते। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सब गरीब ऐसा बने जे बनावता वो बना लेता, किंतु सब ऐसा बने ऐसा कागन अपन जियत खाता ना, मजदूर जितना बने ऐसे विस्थापित बने। कहें कि कुछ मिलल हुआ कुछ ऐसा आधार कर दे देव कि अभी तक देहे नहीं, नहीं कुछ नहीं दे। ये जो खनन हो रहा है ये सब कोरोना परत में खनन हो रहा है, भूपति प्रवार क्रोड, उसके नीचे होता है कोरोना। कोरोना परत में खनन होने की वजह से हमको लगता है कि कुछ वायरस ऊपर निकल गए हैं, जिसके वजह से पूरे सृष्टि में कोरोना महामारी फैल चुकी है। तो भाई यार वही नहीं हो तब कहा जानी कि कोरोना नहीं का कोयला लिखना था खाना था ना वो के जान। भाई तू अधिकारी लागत तू जनब कैसे का ढोलबा भाई जो नहीं। पर यहाँ तो रिपोर्ट बता रहा है कि बहुत सारे लोग मर चुके हैं। मरत आने मोबाइलियन में दिखावल मरत आने, अब हम कहा जाने की यहीं से होता है। यहाँ का आदमी तो इतना नहीं, नहीं वो सब खनन विभाग के चलते ही हो रहा है। अब भाई यहाँ नहीं हो तब कहा जाने, दो चार ठीक नहीं, वो एक जगह नहीं होगा, वो पूरे ब्रह्मांड में बराबर कार्य करेगा, क्योंकि वो धूल से उड़ता है, उड़ते हुए पूरे वायुमंडल में बराबर फैल जाता है। एक के तो भाई हमें ना जाना भाई, हमारे उतना नहीं लिखे पढ़े गरीब आदमी छेरी गाय चराई लत, हमें कहा जाने की का होता है। हमें जो देखत थी वही हमारे करत। अभी रिपोर्ट के मुताबिक सब सही चल रहा है, लेकिन जैसे कुछ बढ़ेगा हम पुनः अपने ऑफिसरों को लेके इस गांव में आएंगे और तुमसे पूछेंगे। जितने लोग मरे रहेंगे तुम जाके अपने गांव में निगरानी कर लेना, पूछ लेना कि कैसे मरे, क्या बीमारी उमारी या फिर कुछ ऐसे। उसके बाद तुम बताना कितने लोग मरे एक दो महीने के अंदर में। ठीक है, जब मरेंगे तो बताओ तो रहे। ठीक है, तो फिर हम एक महीना पड़ी भाई फोन नंबर उम्बर सब देव तब ना हम जाना। नहीं, हम स्वयं ही आते हैं, हम स्वयं आएंगे। और अभी भाई तू वाला बताओ तला तब न हम जाना मरी तब न। अगर हम नहीं आते हैं तो हमारा असिस्टेंट आएगा, आपको रिपोर्ट दे दिएगा इनको। हाँ ठीक बा, ठीक। इंटरनेशनल लेवल पर हम जो एक नियम जारी किए हैं, ये सारा डस्ट देखते हुए मैं 2020 को एक मिशन चला रहा हूँ, उसमें सारी प्राइवेट कंपनियों को बंद किया जाएगा। बंद कर दे तो ठीक रहा, बंद करके एक नई कंपनी खोली जाएगी जिसमें सिर्फ किसान लोग खेती करेंगे अपने खेत में और उनको अलग से तनख्वाह दिया जाएगा। इस खनन विभाग को बंद किया जा रहा है क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो। अच्छा ये बताई फिर कि ये मान लो यहाँ खुदागल, ये हमारी जमीन यहाँ बा, यहाँ तक खुदागल बा। हाँ, जान ले। हाँ? तो यहाँ तक खुदागल बा, यहर खदान बढ़ता है। हाँ? यहर बढ़ता खदान, यहर पूरा पब्लिक बा। हाँ? पब्लिक की कुछ मिलत नहीं, आधार कुछ नहीं मिलत, मौजा थोड़ा बहुत बांट दे बा, एक साल दो साल पहले बांटे वो खत्म होगा, दोबारा का और रोजगार दे कह रहे हो क्या जल्दी देता नहीं ना कि तुम हटो तो हम देंगे। नहीं, उसमें कई बार केस हुआ है, मैंने बोला भी कि गांव के लोग इकट्ठा होके हमारी वो बताओ कल ये इकट्ठा हो रहा है, अधिकारी बोले नहीं पाए तो वो दोपहर के वो बोला जाना तुम्हारा चमचा बोला था ना तुम्हार।
नहीं तो चमचा चमचा बोला था बुजुर्ग के जो गार्ड बने वो बोला नहीं पाओ तो कागन पब्लिक अधिकारी आला चेक देव बड़का तो ऐसा कौन सा वो ऑफिसर था हम अगर इंक्वायरी करेंगे तो आप उसका सकल सूरत या फिर इमेज चुप्पे चुप्पे नोटिस बांटा था चुप्पे चुप्पे अधिकारी हाँ अधिकारी यहाँ एनसीएल के आप तो जंगल विभाग है आप थोड़ी जानेंगे यहाँ रोज दिन ऐसा हफ्ता ऐसा आवन है ऐसा बांटन घर उधार कर पहले घर उधार तब कागन मौजा देव ये कौन नियम लगा भाई ये कौन हमारे जमीने पर हमारे विस्थापित पर ये कौन नियम जारी करे बा नहीं खनन विभाग ने पिछले साल में टेंडर उसका समाप्त हो गया था और उस कंपनी को कुछ दिवसों के लिए सीज किया गया है। लॉकडाउन में भी इसका कार इसी तरह चल तो नहीं रहा है। अरे हमारे लॉकडाउन हो गए तो आप भूखे मारा लग लिया इसे काम धंधा मिला था अब कुछ काम धंधा नहीं मिला और जो खेत जमीन रहे तो पहले एनपीएल जाते कहला कि नहीं देंगे होगा होगा 50 साल से 20 साल से हम लोग झेल रहे हैं बोला होगा होगा मर जाएंगे तो होगा तो आपको कुछ नहीं दे रहा है कुछ नहीं दे सारे चोर कर तो ठीक है हम इस सभी गांव में खेती का कार्य देंगे और उसके लिए तनख्वाह देंगे अब तो भगवान लगा। हाँ तो ठीक है हम हाई कमान से बात करके एक महीने के अंदर में दोबारा मीटिंग के लिए आपको पेश करेंगे। आपके तकरीबी जो कोई होगा यूट्यूबर या कोई कॉन्ट्रेक्टर तो हम कॉन्टेक्ट करके आपके पास आएंगे और यही मध्य प्रदेश में मीटिंग बनाएंगे। भाई तारीख और बताऊंगा हमारे जूटा नहीं बस एक महीना हमारा देखते हैं जैसे हमारा हाई कमान से ऑर्डर मिल जाता है हम फौरन आएंगे कमेटी में। तब ठीक बावा ठीक है आज हम जा रहे हैं हमारी आज की मीटिंग में इतनी ही बस थी। वैसे जंगल तो बहुत अच्छा दिख रहा है आप लोग रखवाली भी नहीं खनन विभाग को इसे झुकना होगा क्योंकि जंगल जो है देव के समान होते हैं